क्या कहता है हिंदू सनातनी धर्म का भविष्य? क्या समूची दुनिया हिंदू सनातनी हो जाएगी? कब और कैसे भारत बनेगा विश्वगुरु? विश्व भर में सनातनी धर्म को कैसे बढ़ावा दे? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, शिवपुरी से मैं कविता राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्री संत बेतरा अशोका जी से जानेंगे हिंदू सनातन धर्म का भविष्य क्या कहते हैं। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि हिंदू सनातन धर्म कितना वर्षों पुराना है, इसका अंदाज़ आप इसी से लगाइए कि दुनिया भर से हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य मिलते रहते हैं। फिर चाहे वियतनाम में खुदाई से मिला शिवलिंग की बात हो, या फिर कहें कि हाल ही में मिस्र की खुदाई से मिला सूर्य मंदिर हो, और मोदी जी के नेतृत्व में तो देखिए दुनिया भर से हमारे भारत से ही चुराई गई तकरीबन 67 मूर्तियां आई हैं। और हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण आप अन्नपूर्णिमा माँ की मूर्ति को ले लीजिए, जो कि चुराई गई थी वर्षों पहले कनाडा से, अभी हाल ही में आई है, जिसे दोबारा पुनर्स्थापित किया गया है बाबा काशी विश्वनाथ के यहाँ पे। और अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म को बढ़ावा मिला है और विदेशी लोग भी इसकी ओर अब झुकते जा रहे हैं, तो इसका भविष्य क्या कहता है? आज हम यही बात श्री संत बेतरा अशोका जी से जानेंगे। तो सर, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है जी। सनातन धर्म के बारे में मैं नहीं, वेदों में लिखा है आदि सनातन। और किसी भी धर्म को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सनातन धर्म का जिक्र जरूर होगा जी। धर्म नहीं, मैं फिर करेक्ट करता हूँ, धर्म सिर्फ आदि सनातन है, बाकी सब विचारधाराएं हैं। धर्म सिर्फ आदि सनातन है, बाकी सब विचारधाराएं हैं जी। और जो विचारधाराएं हैं वो आपकी मेरी विचारधाराएं हैं। किसी ने आके उस विचारधारा को प्रोपगेट किया और उनके अनुयायी बने और उसको धर्म का नाम देने की कोशिश की। अगर उन विचारधाराओं को आप देखेंगे, अधिकतर विचारधाराओं को सो कॉल्ड धर्मों में, आपको उसके अंदर जो कंटेंट है जी, वो हमारे सनातन धर्म से ही मिलता जुलता है। स्टाइल वो ली गई है, लेकिन कुछ जो आपने एक प्रश्न पूछा कि सनातन धर्म मोदी जी और योगी जी के आने के बाद देश में विश्व में जो है उसकी उन्नति हुई है। देखिए, सनातन धर्म तो एक समय था पूरे विश्व में एक ही धर्म था, वो था सनातन जी। आस्ता आस्ता जो है विचारधाराएं आई, लोग मेन उससे हटते गए और उन विचारधाराओं को उन्होंने फॉलो किया जी। सनातन धर्म क्यों फैलेगा विश्व में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सनातन धर्म में कहीं पे भी आपको फोर्सिबली किसी चीज को मानने के लिए कंपेल नहीं किया जाता जी। तलवार के जोर पे, पैसे की लालच में, दवाइयों की लालच में, कपड़ों की लालच में, नौकरी की लालच में आपको जो धर्म जी अपनाने के लिए फोर्सिबली कंपेल किया जाता है, वो धर्म नहीं है, वो विचारधाराएं हैं। आदि सनातन है तो सनातन धर्म आस्ता आस्ता पूरे विश्व में फैलेगा, पूरा विश्व इसको मानता है। लेकिन अब जिस तरीके से आप अपनी विचारधारा को फोर्सिबली तलवार की जोर पर या जेहाद से या फिर आपका अत्याचार से अगर आप फैलाते हैं,
तो वो धर्म आस्ता आस्ता, वो विचारधाराएं आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगी और वो खात्मे की तरफ, अंत की तरफ जा रही हैं। सनातन को लोग इसलिए मानेंगे, सनातन धर्म को लोग विश्व में इसलिए अपनाएंगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको फोर्सिबली करने के लिए नहीं की जाती। कृष्ण की भक्ति है, भगवान राम की भक्ति है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं, उसमें कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए फोर्सिबली मानने के लिए नहीं कहा गया है जी। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका परसेप्शन उसको लेने का है, आपको उससे जो फ़ायदा होता है उसमें जो आपको जो स्टोरीज हैं वो आपके दिमाग में बैठती हैं तो आप करते हैं। वहाँ पे कहीं पे भी किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं उकसाया जाता। आप अपने धर्म को मानिएगा। सनातन धर्म में ये बताया गया है कि सारे रास्ते एक ही जगह पर जाकर मिलते हैं। आप किसी भी रास्ते से जाइएगा तो आपको फाइनली जो है वो जो आपको आपकी आत्मा को जो आत्म शांति मिलेगी वो फाइनल उस पे होगी और उसके लिए आप किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं जी। और हमारी गीता में लिखा है कि जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी को कभी भी किसी को चलायमान नहीं करना चाहिए। जो जिस रास्ते पे चला हुआ और वो अपने मुकाम पर पहुंचेगा, अगर आप उसको चलायमान कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, आप उसको ये बोलते हैं ये नहीं ये करो तो आपको ये मिलेगा, तो वो मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। तो हमारा धर्म जो विश्व का धर्म आदि सनातन है, वहाँ पर कहीं पर भी कोई कंपल्शन नहीं है, कहीं पे भी कोई अत्याचार नहीं किया जाता। तो आप ही सोचिएगा, जिस धर्म में किसी को फोर्सिबली मानने के लिए नहीं बोला जाता तो उसको, उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आप डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आप देखिएगा रशियंस, अमेरिकन्स, इंडोनेशिया, हर कंट्री में जो है इस सनातन धर्म के अनुयायी आपको मिलेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहे हैं। अगर बौद्ध भी देखते हैं आप, बौद्ध भी पहले सनातनी थे और सनातन पर जब बहुत बड़ा अत्याचार मुगलों के ज़माने में हुआ जी। तो उसको बचाया किसने? सिखों ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, और उन्होंने अपना एक अलग धर्म चलाया, लेकिन उसमें सब संतों की वाणियां हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि सनातन धर्म जो है विश्व का धर्म बनने जा रहा है, डेफिनेटली जब देश का नेतृत्व, भारत का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे एवं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जैसे जी। संत जिनकी एक्सपेक्टेशंस आवाम से अपने लिए कुछ नहीं है, जो आवाम का डाउन आपका जीरो पोजीशन पे जो बैठा हुआ है उसका भला चाहने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो जिस चीज़ को मानेंगे, आप देखिएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बद्रीनाथ भी गए, केदारनाथ भी गए, उनके कार्यकाल में ही आपका रामलला का राम मंदिर का जो है शिलान्यास हुआ है। तो ये जो चीज़ें जो हैं, अब समय जो है आस्ता आस्ता बदल रहा है। देखिए अतिचार और अति किसी ना किसी दिन आकर खत्म जरूर होती है, अत्याचार का भी अंत है। तो ये चीज़ें अभी बहुत बड़ी उथल पुथल होनी है, आदि सनातन को स्टेब्लिश होने के लिए बहुत बड़ी उथल पुथल होनी है और बहुत समय लगेगा। ये आजकल या 10-20 साल में होने वाली चीज़ नहीं है जी। इसमें आने वाले जो हैं डिकेड्स में, मतलब कम से कम 100 वर्ष लगेंगे जिससे जो है
पूरा विश्व जो है, विश्व जो है सनातनमय हो जाएगा और हिंदू धर्म जो है विश्व का धर्म हो जाएगा और भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। पहले भी विश्व गुरु था जी। विदेशों से लोग सीखने के लिए भारत में आते थे, लेकिन भोली वाले जनता को उन्होंने जो है अपना कल्चर, वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न कल्चर जो इम्पोज किया, उससे जो है आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो आपकी हमारी जनरेशन जो है उस तरफ आकर्षित होगी। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली वही गुरुकुल सिस्टम आएगा और आदि सनातन जो है प्रोपोगेट होगा, क्योंकि अब जो है आपकी जो लीडरशिप है हमारी वो राइट उस पर। सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए आपको सनातन के जो चिन्ह है भगवा, इसको जितना ज़्यादा हो सकता है ये नज़र आना चाहिए। हिंदुस्तान की हर घर की छत पर एक भगवा झंडा जरूर होना चाहिए जी। अगर आप बहुत धार्मिक हैं तो कम से कम चारों कोनों पे छत के चार झंडे नजर आने चाहिए, ताकि किसी भी गलत मेंटेलिटी का बंदा जो है आपके उस इलाके में ना आ सके, क्योंकि भगवा दिखते ही जो विघटनकारी ताकते हैं उनके प्राण जो हैं सूख जाते हैं जी। तो आप सनातन धर्म की प्रमोशन, अगर सनातन धर्म को चाहते हैं कि फले फूले आगे, तो भगवे को जो है आप पूरा उसका सम्मान करिएगा, हर तरीके से सम्मान करिएगा। तो ये थे हमारे साथ श्री सन बेहतर अशोका जी, जिनसे हमने जाना कि आदि सनातन धर्म का इतिहास क्या है और किस प्रकार वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में ये स्थापित हो जाएगा। इसी के साथ मुझे और विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेहतर अशोका जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।